अगर हम एक स्पोर्ट्स बाइक लेना होता है वो भी एंट्री लेवल सेगमेंट में, तो हमारे माइंड में सिर्फ दो तीन कंपनीज का ही नाम आता है, जैसे कि यामाहा, टीवीएस और बजाज हो गया। तो यहाँ पर बहुत कम लोगों के माइंड में ही हीरो कंपनी का भी ध्यान आता है। तो यहाँ पर लाजमी भी हीरो कंपनी का ध्यान ना आना, क्योंकि हीरो कंपनी देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर सेगमेंट में ही ध्यान देती है। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, अब हीरो कंपनी के पास भी स्पोर्ट्स बाइक है एंट्री लेवल सेगमेंट में। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हीरो एक्सट्रीम 160 या BSX मॉडल के बारे में, जो कि बेस्ड है अपने इल्टर सिबलिंग एक्सट्रीम 200R के ऊपर, जो कि अभी फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम हीरो एक्सट्रीम 160 या BSX मॉडल के बारे में ही बात करने वाले हैं, और आपको इस बाइक के कुछ गुड फैक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि इस बाइक के कुछ एडवांटेज के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं हूं आपका होस्ट कुंदन वर्मा एंड यू आर वॉचिंग योर ऑटोमोबाइल रिलेटेड यूट्यूब चैनल इसके मोटर ऑयल। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इस बाइक के पहले गुड फैक्टर से, जो है इस बाइक का कंफर्ट लेवल। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यह बाइक आता है स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में, और यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक तो आपको पावर तो जरूर दे पाती है लेकिन आपको कंफर्ट लेवल नहीं दे पाती है। लेकिन इस बाइक के साथ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता, जबकि यह स्पोर्ट्स बाइक है लेकिन फिर भी इस बाइक का कंफर्ट लेवल काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंफर्ट लेवल में आपको सीट कुशन और सस्पेंशन सिस्टम एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर यह दोनों ही एलिमेंट्स को कंपनी ने सॉफ्टवेयर साइड पर रखा है, जिसके वजह से आपको इस बाइक के साथ एक कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको यह देखने को मिलता है कि इस बाइक का रियर सस्पेंशन 7-स्टेप एडजस्टेबल है, जिसे आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो है इस बाइक का फर्स्ट एडवांटेज। वही दूसरा एडवांटेज है इस बाइक का पावर एंड परफॉर्मेंस। तो इस बाइक में आपको 163cc का इंजन देखने को मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSS कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 15 BHP का पावर 8500 RPM पर और 14 Nm का मैक्स टॉर्क 6500 RPM पर। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इस बाइक का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। बाकी जब आप इस बाइक को भगाना चाहें तब यह बाइक आपका पूरा साथ देती है, जो है इस बाइक का सेकेंड एडवांटेज। वही बात करते हैं इस बाइक के तीसरे गुड फैक्टर के बारे में, जो है इस बाइक का माइलेज। तो यहाँ पर यह बाइक आपको इजिली 50 KMPL के अप्रोक्स का माइलेज दे देती है। वही बात किया जाए इस सेगमेंट में आने वाले दूसरे स्पोर्ट्स बाइक की, तो यहाँ पर दूसरे स्पोर्ट्स बाइक आपको अप्रोक्स 40 KMPL का ही माइलेज देते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इस बाइक का माइलेज काफी ज्यादा बेहतरीन है इस सेगमेंट के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के ऊपर यह बाइक आपके जेब के ऊपर उतना ज्यादा भारी नहीं पड़ती है, जो है इस बाइक का तीसरा गुड फैक्टर। फोर्थ गुड फैक्टर है इस बाइक का टायर प्रोफाइल। तो यहाँ पर इस बाइक का फ्रंट टायर आपको 110/80 सेक्शन का देखने को मिलता है और रियर टायर आपको 130/70 सेक्शन का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस सेगमेंट के हिसाब से इस बाइक का टायर सेक्शन देखा जाए तो काफी ज्यादा वाइडर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस बाइक को एक बाइक से कंपेयर करके देख लेते हैं, तो इस बाइक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है 162B अपाची। तो यहाँ पर अपाची 162B के फ्रंट में देखा जाए तो आपको 90/90 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, और वही अपाची के रियर टायर के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको 110/80 सेक्शन का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपाची का टायर प्रोफाइल देखा जाए तो हीरो एक्सट्रीम 160R से काफी ज्यादा थिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ओवरऑल यह समझ में आता है कि हीरो एक्सट्रीम 160R का रोड ग्रिप देखा जाए तो काफी ज्यादा बेहतरीन निकल के आता है, जो है इस बाइक का चौथा गुड फैक्टर। वहीं पांचवे गुड फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 180 mm का देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफी ज्यादा सफिशियंट है, और अगर आप इस बाइक को खराब रास्तों पर भी लेकर जाते हैं तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जो है इस बाइक का फिफ्थ एडवांटेज। सो अब इस बाइक के लास्ट एडवांटेज यानी कि गुड फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है फीचर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फुली LED हेडलैम्प, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें कि आपको टैकोमीटर, टू टेप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको इस बाइक के स्पीडोमीटर में। वहीं स्पीडोमीटर के अलावा आपको LED DRL, इंजन किल स्विच, क्लॉक, LED टेल लैम्प, हजार्ड लाइट स्विच अथवा LED इंडिकेटर जैसे काफी सारे एडवांस फीचर्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यह एक इकलौता बाइक है इस सेगमेंट में, जो कि आपको इतने सारे फीचर्स ऑफर करता है। तो यहाँ पर अगर आप एक फीचर के बहुत बड़े दीवाने हैं तब तो आपको यह बाइक काफी ज्यादा भाने वाली है। सो यह है इस बाइक का लास्ट एडवांटेज। सो गाइस, ये है हीरो एक्सट्रीम 160 या BSX मॉडल के कुछ गुड फैक्टर्स, यानी कि इस बाइक के कुछ एडवांटेज। तो यहाँ पर यह बाइक देखा जाए तो एक फुल पैकेज के रूप में ऑफर किया जाता है हीरो कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको एक रिलायबल एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तब आप इस बाइक को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं।
तो आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि वहां पर हम लेटेस्ट कार्स और बाइक्स के रिलेटेड में अपडेट देते रहते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन गिव इट अ थम्स अप एंड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।